अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेमुना नाज और आप लोग हैं मेरे साथ मेरे चैनल में। तो आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम एक छोटी सी पिकनिक, और क्योंकि आज मेरी बेटी की बर्थडे है तो हमने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी और वो बर्थडे भी इंजॉय करेंगे। तो ये जो मेन्यू है मैं आपके साथ ज़रूर इसको शेयर, तो इसके लिए जो मेन्यू मैंने सेलेक्ट किया था वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन, एक पाव मटन और एक किलो बीफ। बोनलेस लिए हैं तीनों चीज़ें, इनको टिक्का साइज में कट कर लिया है। शान का मीट टेंडराइजर पाउडर, मटन और बीफ को एक चाय का चम्मच मटन और एक खाने का चम्मच बीफ पे लगाकर 45 मिनट के लिए मैंने इनको टेंडर होने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। चिकन के साथ हम दो चीज़ें बनाएंगे, एक टिक्का बाइट्स बर्गर और एक हम बनाएंगे ब्रेड, चिकन ब्रेड बनाएंगे। अंडे के साथ इसका मिक्सचर बनाएंगे, उसमें चिकन की बाइट्स ये डालेंगे और उसके ऊपर ब्रेड्स को लगाकर बनाएंगे। ये जो दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये बिल्कुल फ्रेश है, और इसको स्ट्रेन करके इसका फालतू पानी मैंने निकाल कर इस तरह से गाढ़ा सा इसका पेस्ट बना लिया है। खट्टा दही आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, नमक हसब ज़रूरत। एक खाने का चम्मच टिक्का मसाला, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच टिक्का मसाला, एक चाय का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, एक अदद नींबू का रस, काउंटर टॉप पे रोल करके हम इसको स्क्वीज करेंगे। सारे स्पाइसेस हमने इसमें डाल दिए हैं, अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। थोड़ी देर हम इसको रख देते हैं। वन टेबल स्पून इसमें टिक्का मसाला, 2 टेबल स्पून दही, मटन को मैरिनेट कर रहे हैं। टिक्का मसाला ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं जल्द अपलोड कर दूंगी। डेढ़ खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हसबे जरूरत, एक अदद नींबू का रस डालेंगे। मटन भी मैरिनेट हो रहा है और इसको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। अब है जी बीफ की बारी। एक किलो बीफ है, बीफ थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन और मटन से, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें जाएगी, इसमें तकरीबन नमक हसबे ज़रूरत। 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 खाने के चम्मच दही और 2 अदद नींबू इसमें हम डालेंगे। बीफ भी हमारा अच्छा सा मैरिनेट हो रहा है, और अब पैन को चूल्हे पे रख लेते हैं जल्दी जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बगैर।
पैन को हमने चूल्हे पे रख दिया है। पैन जैसे ही हमारा गर्म होगा इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना, चिकन का जो अपना पानी है उसी में इसको हमने पकाना है। यहाँ एक साइड पे चिकन जो है वो पक रहा है, दूसरी साइड पे हम पैन रखते हैं। चिकन जब तक हो रहा है पैन चूल्हे पे रखकर इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा सबसे पहले हम इसमें मटन डालेंगे ताकि अच्छा सा मटन फ्राई हो जाए, और उसके बाद हम इसको चॉपस्टिक्स के ऊपर लगा लेंगे। बर्गर के लिए हम सॉस रेडी कर लेते हैं। आधी प्याली तकरीबन मायोनीज, 3 खाने के चम्मच केचप, केचप क्योंकि चिली गार्लिक सॉस है इसलिए इसके अलावा हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ हसबी ज़रूरत नमक डालेंगे थोड़ा सा। तो बर्गर मैं आपके सामने एक असेंबल करती हूँ। बर्गर के दोनों बंद पे दोनों साइड्स पे हम ये सॉस लगाएंगे। दोनों साइड्स पे हमने सॉस लगा दिया है। अब बारीक कटी हुई बंद गोभी इस पे डालेंगे। चिकन रेडी हो चुका है। चिकन के पीसेस इसके ऊपर लगा देंगे। थोड़ी सी बंद गोभी दूसरी साइड पे भी डालेंगे और इसको उसके ऊपर रख देंगे। तो मज़ेदार सा बर्गर रेडी हो चुका है। अच्छा जी, दूसरी रेसिपी जो हमने चिकन के साथ बनानी है उसमें मैंने 3 अदद अंडे एक बॉल में डाले हैं, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और चिकन के जो पीसेस बचे थे वो हमने इसमें डाल दिए हैं। इस तरह से ब्रेड के किनारे उतार दिए हैं मैंने और ब्रेड के 2-2 पीस कर लिए हैं। पैन गरम कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये मिक्सचर फैला देंगे पैन में। अब जो पीसेस ब्रेड के हमने कट किए थे वो इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। चले जी, हैप्पी बर्थडे जो है वो स्टार्ट हो रही है और हम पार्क पहुंच चुके हैं। तो बास्केट में मैंने कोक, बर्गर, टिक्का बाइट्स, केक, हैप्पी बर्थडे डियर ब्लाइका, हैप्पी बर्थडे ब्लाइका, हैप्पी बर्थडे ब्लाइका, हैव यू मेनी मोर, हैप्पी बर्थडे ब्लाइका आपी, हैप्पी बर्थडे डियर ब्लाइका आपी, हैप्पी बर्थडे ब्लाइका आपी।
बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और राइड्स के ऊपर, ये रेसिंग कार के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मंथ में एक बार इस तरह की बर्थडे हम लोग को ज़रूर ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, इट्स माय बर्थडे एंड आई एम रियली एंजॉय एंड थैंक यू मामा, थैंक यू पापा फॉर दिस लवली गिफ्ट। आई हैव लॉट्स ऑफ गिफ्ट फ्रॉम मामा, हाला, नानो, बट पापाज गिफ्ट आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज ही प्रिंट माई नेम एंड पिक्चर ऑन माई मग। थैंक यू पापा, लव यू। आपको मेन्यू कैसा लगा है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। बास्केट मैंने अरेंज की है, इसमें मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स, कलरफुल स्पून्स रखे हैं और डिस्पोजेबल ग्लासेस रखे हैं। पिकनिक पे ज़रूर आपने प्लास्टिक के या डिस्पोजेबल ही बर्तन रखने हैं ताकि वो जब आप उसको कैरी आसानी से कर सकें। और स्टिक्स के ऊपर जो बाइट्स लगाई थी मैंने मटन की और बीफ की, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा आज का ये हमारा व्लॉग। तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है कि कैसा लगा है आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।